Hey guys, welcome back to Movie Narco और ये है Viking Season 1 का Episode 8। अगर आपने इससे पहले के 7 episodes नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगी और playlist की लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगी। तो रेगनार इंग्लैंड से बहुत सारा माल लूट कर लाता है, लेकिन यहाँ आकर जैसे ही उसे लेगर्ता के बारे में पता चलता है उसका दिल टूट जाता है। एथलस्टन को रेगनार कुछ काम के लिए बुलाता है। यहाँ वो उसे बताता है कि हर 9 साल में ये लोग पहाड़ी के ऊपर बने एक मंदिर जाते हैं, जहाँ ये लोग ओडिन और सभी देवताओं को चढ़ावा चढ़ाते हैं ताकि देवता इनकी रक्षा करते रहें। वैसे तो रेगनार अपनी जिम्मेदारियों के कारण इस साल नहीं जाने वाला था, लेकिन अब उसके साथ जो जो कांड हुए हैं, यानी उसका जो बच्चा मरा है उसके कारण अब उसे उपसला जाना ही होगा। वो एथलस्टन के साथ अपना दुख साझा करता है। रेगनार को अपने बेटे की मौत का बहुत ज़्यादा दुख है। यहाँ वो एथलस्टन को भी अपने साथ चलने को कहता है। एथलस्टन पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वो मान ही जाता है। सभी लोग लेगर्ता को अपनी तरफ से अपना चढ़ावा देते हैं, क्योंकि मंदिर कुछ ही लोग जाएंगे। लेगर्ता रेगनार के चेहरे पर दुख देखती है और वो उसे इस चीज़ का कारण पूछती है। रेगनार दरअसल बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि देवताओं ने उसे अर्ल का पद तो दे दिया, लेकिन उसका बेटा उससे छीन लिया। यहाँ लेगर्ता उसे समझाती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन रेगनार को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। ये दोनों वैसे ही बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। रेगनार की पूरी फैमिली बहुत सारे गांव वालों के साथ उपसला जाती है। उपसला वही जगह है जहाँ पे ये लोग सभी रस्म पूरी करेंगे। अब कैटागार्ड से उपसला की जर्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सीन्स बताए गए हैं। बीच रास्ते में लेगर्ता रेगनार से पूछती है कि क्या एथलस्टन को इसके बारे में पता है, लेकिन रेगनार उसे मना कर देता है। ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं ये हमें आगे पता चलेगा। उपसला में आकर सभी गांव वाले बहुत सारी खास रस्में करते हैं। सभी लोग भगवान ओडिन और बाकी सभी देवताओं का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने मन मुताबिक उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। लेगर्ता देवी फ्रे, जो कि फर्टिलिटी की देवी है, उनसे जल्द से जल्द एक बेटा मांगती है। वो कहती है कि भले ही मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं अंधी हो जाऊं, लेकिन मुझे एक बेटा चाहिए। रेगनार अपने पिता ओडिन से पूछता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसको उसके बेटे कैसे मिलेंगे। अब ये बात तो तय है कि रेगनार को आशीर्वाद में बहुत सारे बेटे मिलेंगे, लेकिन उसके बेटों को जन्म कौन देगा। सभी वाइकिंग्स उपसला आकर बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि सभी देवता भी अपने सभी भक्तों से मिलने हर 9 साल यहाँ पे आते हैं। बीच में रोलो फ्लोकी की माँ हेल्गा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ क्या होता है, तुम यहाँ पहले कभी आई हो। हेल्गा कहती है कि उसने सुना तो है, लेकिन उसे एग्जैक्टली पता नहीं कि यहाँ होता क्या है। अब लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे आ गई है तो देख लेगी कि यहाँ होता क्या है। ब्योन लेगर्ता से पूछ ही लेता है कि हम लोग बलि कब चढ़ाएंगे। बाहर एथलस्टन देखता है कि यहाँ बलि में चढ़ने वाली हर चीज 9 है। जिस भी चीज की बलि चढ़ाई जाएगी वो भी 9 की क्वांटिटी में, लेकिन उसे यहाँ एक तबेला खाली दिखता है। वो रेगनार से पूछता है कि जब हर चीज 9 है तो ये जगह खाली क्यों है। रेगनार उसे बताता है कि ये जगह उन इंसानों के लिए है जिनकी बलि हम देवताओं को चढ़ाएंगे, और एक्चुअली इसी बारे में सभी लोग बात कर रहे थे। एथलस्टन बाहर घूमने निकल जाता है और रोलो वगैरह उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। ये लोग उसे नशे वाली चीजें खिला देते हैं, जिससे बेचारे एथलस्टन का मानसिक संतुलन ही हिल जाता है। वो देखता है कि साला हर जगह या तो लोग मस्ती कर रहे हैं या नशे कर रहे हैं। हम लोग भी देखते हैं कि एथलस्टन और हमें छोड़ के बाकी सभी लोगों के पास कोई ना कोई बंदी है। यानी सीधी सी बात है कि कैटरगेट में प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ योजना बहुत जोर शोर से चल रही है। कुछ समय बाद एथलस्टन को होश आता है, तब थियरी उसके पास आती है। उससे कहती है कि मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतना कहकर वो उसे किस करती है और अपने साथ ले जाती है। एथलस्टन को लगता है कि अब कुछ एक्शन वैक्शन मिलेगा, लेकिन थियरी अब उसे बस एक गीले कपड़े से साफ करके छोड़ देती है। तभी अगली सुबह एंट्री होती है राजा होरे की। अब अल का मतलब ये समझो कि गांव का सरपंच, लेकिन एक राजा का मतलब प्रॉपर एक राजा। किंग होरेक अल रेगनार से मिलकर बहुत खुश होते हैं। रेगनार के चर्चे अब हर जगह हैं और किंग होरेक खुद अल रेगनार से इम्प्रेस्ड है। रेगनार यहीं अपने कड़े की कसम खाकर किंग होरेक को अपनी वफादारी की कसम दे देता है, और किंग होरेक भी रेगनार का सपोर्ट पाकर बहुत खुश हो जाता है। अपनी वफादारी के बदले रेगनार होरेक से उसकी आर्मी का सपोर्ट मांगता है, क्योंकि वो सिर्फ इंग्लैंड तक जाकर खुश नहीं है, उसे और भी ज़्यादा लोग चाहिए, क्योंकि वो और भी देशों को एक्सप्लोर करना चाहता है। एथलस्टन ने रेगनार को इंग्लैंड के पास ही फ्रेंकिया नाम के देश के बारे में बताया है। फ्रेंकिया मतलब फ्रांस, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर राज्य है, और एक दिन रेगनार वहाँ भी जाकर वहाँ की रेड मारना चाहता है। वहीं रोलो और सिगी के बीच में झगड़ा हो गया है। रोलो का रात में इधर उधर दूसरी नंगी औरतों के साथ धमाचौकड़ी मचा रहा था, और ये बात सिगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो और रोलो अब साथ में। रोलो यहाँ सिगी को मुंह पे बोल देता है कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ,
10 लड़कियों के साथ सोता हूँ और अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि एक दिन मैं ही अल बनूंगा। उस दिन तुम रोती रहना कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा था। सिगी भी उल्टा रोलो को सुना देती है कि अगर तुम सच में एक दिन अर्ल बनना चाहते हो तो तुम्हें दारू पीकर टुन होने की जगह राजा होरिक से मिलने जाना चाहिए था। रेगनार तो उनसे मिलने चला गया, लेकिन तुम यहाँ कुछ और ही चीज कर रहे हो, ऐसे कैसे नेटवर्क बढ़ेगा तुम्हारा। वहीं होरिक रेगनार को एक काम देता है। तो बात ऐसी है कि होरिक का एक दूसरे अर्ल से जमीन विवाद चल रहा है और इसीलिए वो चाहता है कि रेगनार उसका ये लफड़ा सुलझा दे, इसलिए रेगनार को गोलैंड नाम की जगह पे जाना पड़ेगा। एटलस्टन को ढोलकपुर वाले बाबा मंदिर के अंदर बुलाते हैं। या मंदिर के पुजारी एटलस्टन के बारे में जान चुके थे, उससे पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो। एटलस्टन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। इसके बाद उससे पूछा जाता है कि क्या अभी भी तुम अपने पुराने भगवान जीजस को ही मानते हो। इस पर एटलस्टन थोड़ा सा झिझकता है। यहाँ पुजारी समझ जाता है कि भाई एटलस्टन तो अभी भी एक क्रिश्चियन है, वो अभी भी यसु यसु करता है। वो उससे बताता है कि तुम्हें यहाँ देवताओं को बलि चढ़ाने के लिए लाया गया था, और ये सुन के एटलसन बहरा जाता है। ढोलकपुर वाले बाबा ये बात रेगनार के साथ बाकी सभी लोगों को बताते हैं और कहते हैं कि अब तुम में से एक किसी को ही एटलसन की जगह लेनी होगी, क्योंकि एटलसन हमारे देवताओं को नहीं मानता है और इसलिए उसकी बलि स्वीकार नहीं होगी। अब यहाँ इन लोगों में से एक बंदा उठकर बोलता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि देवताओं के पास जाने से बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। अगले दिन सभी जानवरों के साथ साथ सभी 9 लोगों की भी बलि चढ़ा दी जाती है और इन सभी को मारकर देवताओं को समर्पित कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को करना क्या है।